जरा पूछिए कि कितने पद जो है वो रिक्त हैं, खाली पड़े हुए हैं। 4.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। राष्ट्र औसत के मुकाबले 5.5 लाख बनता है। देखिए नीतीश कुमार जी, हम बार बार कह रहे हैं, थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा। अस्पताल की व्यवस्था क्यों चरमराई है? क्योंकि डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो पाता है, नर्सेज नहीं है, कंपाउंडर नहीं है। एजुकेशन पूरा चौपट क्यों हो गया है? क्योंकि टीचर्स नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स नहीं है। अब जब तक पद को नहीं बना, नौकरी देने का केवल सवाल नहीं है, नौकरी तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में शिक्षा विभाग भी सुधरेगा, स्वास्थ्य विभाग भी सुधरेगा, एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस डिपार्टमेंट भी सुधरेगा। नीतीश जी बताएं, 1.5 लाख आबादी पर बिहार में कितने पुलिसकर्मी हैं? 77 है केवल। वो उनको बताना चाहिए कि 1 लाख आबादी पर मणिपुर में 1,000 से ज़्यादा क्यों है। तो इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग जो हैं, जो हमने विजन रखा है, इसीलिए तो हम मांग रहे मौका, जो नीतीश जी ने नहीं किया, नहीं कर पा रहे हैं, हाथ खड़े कर दिए, इसलिए तो हम बिहार की जनता से मौका मांग रहे हैं कि हमको एक मौका दीजिए, हम ये करके दिखाएंगे। नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं कि भीड़ से वोट नहीं आती, एंटी इनकमबेंसी के खिलाफ नहीं है। अब देखिए वो तो क्या कहेंगे, उनके पास कहने के लिए क्या है? वो बताए ना भाई, 15 साल में उनकी उपलब्धि क्या है? महंगाई पे क्यों नहीं बोलते हैं नीतीश कुमार? महंगाई पे बोलना चाहिए। पलायन बिहार में है ही, बेरोजगारी है ही, गरीबी है ही, भुखमरी है ही, इन सारे विषयों पे तो कुछ कहते ही नहीं है, कारखाने नहीं है, लेकिन महंगाई पे वो उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखिए ये बहस का मुद्दा जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक वो विश्वास नहीं करेंगे। हमें तो पूरा विश्वास है कि नीतीश जी की विदाई तय है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये नीतीश जी को विश्वास हो जाएगा। डबल इंजन बोला है, डबल इंजन को, और आप लोगों को बोला है तो है नहीं। बिहार को कितना सताया गया, बिहार के मजदूर माइग्रेंट को तो अपराधी तक बता दिया था इस सरकार ने, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? नीतीश जी ये कह रहे हैं, नीतीश जी ये कह रहे हैं कि ये क्रिकेट से आ गया और एक फिल्म से आ गया। ये राजनीति नहीं जानते, ये क्रिकेट से आ गया है और एक फिल्म से आ गया है। आप एक बात समझिए, क्या क्रिकेट से आना बुरी बात है? ये प्रोफेशनल फील्ड है, क्या बॉलीवुड से आना कोई बुरी बात है? मतलब राजनीति में कहाँ से आने चाहिए? यानी उनका कहने का मतलब कोई डॉक्टर भी नहीं आ सकता, कोई इंजीनियर भी नहीं आ सकता? ये तो इतने अनुभवी नेता हैं, देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, हो क्या गया नीतीश जी को? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी बातें, इतना स्तर इन्होंने गिराने का काम किया है अपना, और इनकी बातों से तो लग ही नहीं रहा कि ये सबसे ज़्यादा देश के अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। अरे क्रिकेटर होना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हाउ लीडरशिप क्वालिटी होता है उसमें, टीम वर्क, टीम यूनिटी, और हम तो क्रिकेट खेले, हमको सबसे ज्यादा एक्सपोजर उसी से मिला। तो ये बातें नीतीश कुमार जी अगर कह रहे हैं तो बड़ा ही अजूबी बातें ये कह रहे हैं। आखिर आपसे और चिराग से इतनी चिढ़ क्यों? चलिए वो प्रतिद्वंदी हैं आप दोनों, राजनीति में कहते हैं कि प्रतिद्वंद होना। पोल खोलिएगा तो चिढ़ेंगे, पोल खुला है, असलियत लोगों जान रहे हैं, मान रहे हैं, आप तो चिड़चिड़ाहट तो होगी। क्या कारण मानते हैं कि अमित शाह अभी तक कैंपेनिंग करने नहीं आए? देखिए हम तो कुछ कहेंगे नहीं, हमको तो सुनने में आया था उनकी तबीयत जो है बिगड़ी हुई है, हम लोग तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के वो भी आ जाए। प्रधानमंत्री आए थे बिहार, सीधे तौर पे आपके और आपके परिवार पे हमला बोल रहे थे, ये लोग केवल परिवार का भला करते हैं, 5-5 जिला बांट। कभी नीतीश कुमार को देखा कि अपने बेटे को या भाई को कभी रास्ते में भेजा हो इन सभी चीजों पर? देखिए हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते इन सब चीजों पे, मुद्दे हैं दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और महंगाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। नीतीश कुमार जी को ये याद नहीं आया जब हम डिप्टी सीएम बने थे, तब ठीक था, सब कुछ ठीक था, तो हम इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम उनसे केवल ये जानना चाहते हैं, बिहार में कारखाने क्यों नहीं लगे, बिहार में निवेश क्यों नहीं आया, बिहार में पलायन क्यों नहीं रुका, बिहार में बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है, बिहार सबसे गरीब क्यों है, बाढ़ के लिए आपने क्या किया? तो इन सारे विषयों पर अगर नीतीश कुमार जी
केंद्रित करें तो ज्यादा अच्छा होगा।